हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने जा रही हूँ साउथ कोरिया का होल। तो सबसे पहले चीज जो ऑफ कोर्स सारे जाते हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे तो लेके आते हैं, दैट इज द फ्रिज मैग्नेट। सो हम करने का भी हमारे लिए दो फ्रिज मैग्नेट्स लेके आए थे। तो लाइक ये वाला एक फ्रिज मैग्नेट है जो कि हम हमारे लिए लेके आए थे। तो हमने अभी आते ही अपने मतलब होम टाउन आते ही मैंने उसको लगा लिया अपने फ्रिज पे, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा था। उसके बाद वो लेके आए हमारे लिए बहुत सारे मास्क पैक्स, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे साउथ कोरिया में ऑफकोर्स मतलब वो जाते हैं तो बता रहे थे हमें कि बहुत ही ज़्यादा वो लोग इतने मतलब अपने स्किन और अपने मतलब बॉडी के टुवर्ड्स इतने मतलब लोग इतने एक्टिव रहते हैं कि उन लोगों को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मतलब ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं। और वहाँ पे कॉस्मेटिक्स का इतना ट्रेंड था, मतलब उन्होंने कहा कि इतनी सारी शॉप्स वहाँ पे कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेटिक्स की थी, तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए भी कुछ शॉपिंग की। और उसमें से एक चीज़ ये थी, दैट इज़ वन डे कॉलेजन मास्क। लाइक इसको हमने क्या करना है कि अपने फेस पे लगाना है, और फेस पे लगा के कुछ टाइम के लिए हमें इसको लीव करना है। उसके बाद इसमें क्या होगा कि बहुत सारा मतलब केराटिन है, ठीक है। और किया था व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, तो उनके पास आई थिंक ये डिफरेंट टाइप का था, बट हमारे लिए वो लोग डिफरेंट लेके आए हैं, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर से। तो शी थॉट कि एक बार सारे ट्राई करते हैं कि कौन सा कैसा है। तो ये लेके आए बहुत ही, तो मैंने बताया कि लाइक वहाँ पे बहुत सारा कॉस्मेटिक्स का सामान मिलता है, तो इसीलिए वो वहाँ से दो चीज़ और भी लेके आए थे। एक था ये कॉलेजन, मतलब कॉलेजन तो वहाँ पे इतना चलता है ना कि मतलब बहुत चीज़ें वहाँ पे वैरायटीज थी स्किन की, मुझे नहीं लगता कि इतने इंडिया में मिलती होगी। तो एक ही लेके आए थे कॉलेजन का फेस सीरम, और एक वो मेरे लेके आए थे 24 कैरेट गोल्ड पाइथो रिंकल इरेजर क्रीम। तो लाइक ये भी बहुत ऑसम है, ऑल दो मैंने ट्राई नहीं की, मेरी मॉम ने ट्राई किया था, बट इसका रिजल्ट मुझे मतलब वन डे में ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसको हम कंटिन्यू कुछ टाइम के लिए लगाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। और उसके बाद बहुत क्यूट सा वो मेरे लेके आए थे लाइक डॉक्यूमेंट्स होल्डर। तो आप देख पा रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जितने भी वहाँ की चीज़ें थी ना इतनी क्यूट क्यूट सी थी ना, तो लाइक हर किसी चीज़ पे कुछ ऐसे लाइक फैंसी सा कुछ आइटम था। तो ये एक मेरे लिए लेके आए थे डॉक्यूमेंट होल्डर, ऐसे ऐसे मेरे पास दो तीन और भी है, तो बहुत अच्छा लग गया। तो इसके अंदर मैं कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स को रख के मतलब रख सकती हूँ अपनी वार्डरोब में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी। और उसके बाद ये लेके आए मेरे लिए व्हाइट कलर का ट्राउजर, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लेने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा ट्राउजर है व्हाइट कलर का, और नीचे से भी प्रॉपर मतलब कि एकदम ब्रॉड वाला आजकल जो चल रहा है ट्रेंड में, ये लेके आए थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो सेम मेरे भी लेके आए थे ऐसा ऐसा, तो वो मुझे बोल रहे थे कि मतलब वहाँ पे ये जो इतनी ट्रेंडिंग थी ना, तो इसलिए मतलब वो एक मेरे लिए लेके आए और अपने लिए भी लेके आए, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये। उसके बाद वो मेरे लेके आए बहुत कस्टमाइज सी एक कैप, ठीक है, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मे बी मोबाइल कवर पे या कोई भी मतलब ऐसा टाइप की जिसपे मेरा नाम लिखा हो। तो उन्होंने वो चीज़ मतलब उनके माइंड में थी, और उन्होंने स्पेशली यहाँ से वो कस्टमाइज करवा के इसमें मेरा नेम लिखा है सी हिमानी, और वो लेके आए। तो उसके बाद नेक्स्ट आइटम वो लेके आए हैं बहुत सारी फेस वाइप्स। एज यू कैन सी इसके अंदर बहुत सारा है, बट इसमें एक प्रॉब्लम जरूर आई थी हम लोग को कि हम लोग ने जितना भी इस पर पढ़ा कि इसको कैसे कैसे यूज करना है, जितना भी कॉस्मेटिक्स का सामान था, हम सब ने उसको गूगल लेंस से पढ़ा, बिकॉज इस पर प्रॉपर इनकी डिफरेंट लैंग्वेज लिखी हुई है, जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी हमें कि क्या है और कैसे यूज़ करना है। मतलब कुछ जनरल चीज़ें तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वाइप्स है तो पता ऑफकोर्स कि वाइप्स का क्या यूज़ है, बट कुछ कुछ क्रीम्स एंड कुछ कुछ ऐसे बॉडी लोशन एंड ऑल डिफरेंट डिफरेंट मतलब चीज़ें वो लेके आए थे, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत हुआ था। इसके अंदर बहुत प्यारा सा ऐसे करके देखो ये बना हुआ है, तो इसमें मेरे को उसके बाद वो लेके आए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैंड क्लींजिंग टिश्यूज, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने इसको ट्राई किया था व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंगलोर टू करनाल माय होम टाउन। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक लाइक हैंड क्लींजिंग टिश्यूज़ है, तो ये बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, मतलब उसको क्या है कि बहुत फिजिबल है, एक निकाला और जब भी यूज़ करना हो तो हम लोग कर सकते हैं उसको, बहुत प्यारा था। इनफैक्ट पैकिंग भी इन चीज़ों की बहुत अच्छी लगी मुझे। उसके बाद एक और चीज़ थी, ये भी काइंड ऑफ टिश्यूज है, बट स्टिल अगेन लाइक यू कैन सी हाउ क्यूट इज द पैकिंग, डिफरेंट डिफरेंट कार्टून एंड ऑल बने हुए हैं, एंड अगेन एट द बैक स्टिल लाइक आई कांट इवन रीड द लैंग्वेज। तो ये मुझे अगर जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी, मैंने इसको यूज़ नहीं किया बट जब भी मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ तो ऑफकोर्स आई टेक हेल्प ऑफ गूगल लेंस। तो एक ये था, थैंक यू।
उसके बाद वो मेरे लिए लेके आए बहुत प्यारे से ग्लव्स है, मतलब कि ये वुलन ग्लव्स है वेंटर्स में डालने के लिए, और मुझे बहुत ही यूनिक लगे ये। मतलब इसका डिज़ाइन कैसा है कि एक का कलर डिफरेंट है और एक का कलर डिफरेंट है, एंड एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब कि क्या है कि इन दोनों का लाइक इन्होंने लाइक इसको कनेक्ट कर रखा है, आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, बट इफ यू गाइस नो दैट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि एग्जैक्टली इसका लॉजिक क्या है। मतलब ये देखो ऐसे है ये, और ये बहुत क्यूट से ग्लव्स है, और इसमें मैंने दो तीन बार डाले हैं, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि ठंड तो बिल्कुल लग ही नहीं सकती है, बहुत वॉर्म है ये ग्लव्स। तो लास्ट सबसे अच्छे आइटम जो मुझे लगी वो था इन सब आइटम्स का बैग, जो कि कनिका ने मम्मी को दिया, मुझे बहुत ही क्यूट लगा। आप देख पा रहे होंगे लाइक एवरीवेयर इज काइंड ऑफ डिफरेंट कार्टून्स, मतलब कहीं पे भी आप जा रहे हो तो बैग्स पे भी कार्टून है, कितना प्यारा बैग है जिसके अंदर मुझे सारा सामान हमें डाल के दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो